रिमशा की ऑयलिंग कर दी है। अच्छा रिमशा की मैं ये वाला एक सूट लेकर आई थी, मैंने रिमशा के फ्राइडे फ्राइडे के सारे सूट नए लिए हैं, तो आज उसे ये वाला सूट पहना रही हैं। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरी रिमशा पे लगेगा भी बहुत अच्छा। तो अभी मैं अपनी रिमशिया को नहलाती हूँ। रिमशो हाय, तो इसे नहलाती हूँ, इसे तैयार करके मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी अप्पी आई है और देखिए हाय बोलो, बच्चा पार्टी। और यहाँ पे रोजे की इफ्तारी की तैयारी चल रही है। हाय बोलो। हाय। ये मेरी रिमशिया भी हाय कर रही है। और रिमशु भी हाय कर रही है। हेलो रिमशु। हेलो एली। चलो ये यहाँ पर एली और रिमशु झूला झूल रहे हैं यहाँ पर, इसको टांग कर। ये देखिए रिमशु, अब तुम्हारी बारी, अब रिमशु तुम्हारी बारी। देखिए सब झूला झूल रहे हैं। हाय कर दो एली। रिमशु करो, रिमशु करो, ये अब एली के टाइम। रिमशु हाय कर दो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। तो फ्रेंड्स आज आई हुई थी अप्पी हमसे मिलने के लिए, तो बस अप्पी के साथ में थोड़ा सा ही व्लॉग शूट करा। उसके बाद आज रोज़ा बहुत ज़्यादा मुझे लगा, बहुत वीकनेस सी महसूस हुई, ज़्यादा खुश तो नहीं लेकिन हाँ बहुत शदीद प्यास लग रही थी, तो बस इस वजह से कुछ भी शूट नहीं करा, रोज़ा इफ्तार करा। उसके बाद अप्पी और एली चली गई, मेरी रिमशा भी रो धो के देखिए सो गई है, और मैंने घर भी अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है। और वो इसलिए करा क्योंकि कल आ रहे हैं अम्मी और भैया, तो बस मेरा दिल करा कि अच्छे से अपना घर सजाऊं, तो उसी के लिए मैंने अपना घर क्लीन करा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने घर के अच्छे से आज क्लीनिंग करी है, रोजे के बाद में अप्पी भी चली गई हैं और मैंने करी है घर की एकदम अच्छे से क्लीनिंग। वो इसलिए करी है क्योंकि कल अम्मी और भैया आ रहे हैं, तो बस मेरा दिल करा अच्छे से अपने घर को सजाऊं, क्योंकि वो रमज़ान में पहली बार आ रहे हैं, तो इसलिए अभी मैंने अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। तो अब पढ़ रही थी कुरान शरीफ, आज है 23वीं यानी कि दूसरी शब कदर, तो उसी के लिए बस अभी कुरान शरीफ पढ़ रही थी। आज इंशाल्लाह मेरा कुरान शरीफ भी पूरा हो जाएगा। ये वाला रूम भी क्लीन कर दिया है अच्छे से, ये वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, सब सामान रिमशा के टॉयज़ वगैरह सब अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए हैं, एकदम मेरा घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो गया है। और ये मेरी रिमशिया सो गई है रोते रोते कि इसे अप्पी के यहाँ जाना था तो सो गई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो हो गया है नेक्स्ट डे। अभी देखिए रूम की क्लीनिंग बिल्कुल कर ली है, ये मैंने अपना सूट भी निकाल लिया है ये वाला, तो इसे करती हूँ आयरन और फिर नहाने जाती हूँ। रिमशा को भी फ्रेश करा दिया। अच्छा इधर मैंने ये वाला कारपेट और बिछा दिया, डबल कर दिया कि सब आराम से आ जाएंगे। और अभी फ्रूट्स वगैरह भी धो दिए हैं, मैंगो धो के इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। अरे चने भी रात भिगो दिए थे। और खाने के मेन्यू में अभी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या बना रहे हैं। मैंने अपना कीमा स्टू के लिए तो धो दिया है, मैं बना रही हूँ बिरयानी और स्टू। और इधर मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये 1 kg प्याज ली है। तो स्टू की रेसिपी मैं पहले व्लॉग में डाल चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी ने जल्दी से सबको चॉप कर ली। देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ की मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं अपना कीमा चढ़ा देती हूँ और फिर बिरयानी के चावल भी भिगोने हैं, चने भी उबलने रखने हैं, तो बहुत सारा काम। फ्रेंड्स अभी उबल रही है मेरी बिरयानी की। फ्रेंड्स उधर चनों का सामान भी कट गया है। अच्छा स्टू मेरा बन के एकदम तैयार है यम्मी सा। और इधर चने बॉयल हो रहे हैं, ये मैं बेसन घूल रही हूँ पकौड़ियों के लिए। और उधर फूफा बना रही है बिरयानी। थोड़ा सा नमक, नमक मैंने बॉयल करते हुए भी डाला था, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर अमचूर यानी कि खटाई, ताकि इसका खट्टा सा बना लो। और डालती हूँ इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च।
और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, फिर इन सब मसालों को डाल के इसको हम भून लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके अंदर डाल लेते हैं चाट मसाला और फ्रेंड्स अब मसाले मेरे हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये बारीक कटी हुई प्याज डाल देती हूँ और इसके अंदर डालती हूँ टमाटर और हरी मिर्च। कुकुम्बर लास्ट में बिल्कुल डालूंगी जब सर्व करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल फिर पानी छोड़ के अजीब सा हो जाएगा। अच्छा मैं हरा धनिया तक भूल गए हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा चॉप करके हरा धनिया और डालती हूँ। ये देखिए ये रिमशो यहाँ पर चश्मा लगा के टीवी देख रही है, अपना कार्टून देख रही है। ये देखिए कैसे देख रही है। रिमशो हाय बोल दो। तो अब हम बनाते हैं पनीर की पकौड़ी। मिर्चों की पकौड़ी बना दी है, जरा पहले गैस की फ्लेम करते हैं कम। पनीर इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है, अब इन्हें डालती हूँ इसके अंदर। और वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गई है, ऐसा हो रहा है कि बस एसी चला लें। यही हाल रहा था, एक दो दिन में एसी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दुआ वाला टाइम, यानी कि वो टाइम जिस वक्त में होती हैं दुआएं कबूल। इस वक्त में आप लोग जितनी चाहें अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। कहते हैं रोज़दार इस वक्त में जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसे बिल्कुल रद्द नहीं करते हैं और ज़रूर कबूल करते हैं। तो इसी यकीन के साथ खूब सारी दुआएं मांगिए कि अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेगा अल्लाह ताला।
फ्रेंड्स, इफ्तार में ये मैंने खजूर शेक बनाया था। और इसकी रेसिपी की बात करूँ तो मैंने 5 से 6 खजूर लिए थे, 2 ग्रीन वाली इलायची ली थी और 1/2 कप दूध लेके इसे मिक्सी में अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया था। और फिर इसके अंदर मैंने 4 ग्लास दूध ऐड कर दिया था। मीठा अगर आप चाहें तो जितना खजूर में मीठा होता है उतना ही लाइट मीठा रख सकते हैं, या अगर चाहें तो पिसी हुई चीनी मिलाकर इसका मीठा और बढ़ा सकते हैं। नमाज पढ़ ले। बहू कहाँ है? दोनों ने नमाज पढ़ ली। चलो नमाज पढ़ो फिर दूंगी, बहुत सारी देंगी नानी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं तल रही हूँ अपने कबाब और इधर बना रही हूँ रायता। तो खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो खाना लगा ले। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज तो रोजे में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। सब लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए नानी रिमशा को खाना खिला रही हैं, और रिमशा हमेशा की तरह खाने से दूर भागते हुए, क्योंकि खाना तो उसे खाना नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना खाने में परेशान करने लगी है। नानी जा रही है, नानी मेरा बच्चा, आज मेरा बच्चा जा रही है। तो नानी के साथ ये जा रही नानी पली की, और परी भी तैयार हो रही है जाने के लिए।